तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत सारे साधु और पंडित जी होते थे जो मंत्रों से आग लगा देते थे। इवन आजकल भी आप देख रहे होंगे कि हमारे हिंदू धर्म जो था बहुत सारे पंडित जी ऐसे हैं जो मंत्र से आग लगा देते हैं। तो आज के इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि उन्हीं पंडित जी का मंत्र का यूज करके देखेंगे क्या ये सच में आग लगता है या नहीं लगता है। तो यही सेक्शन देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हवन के लिए जितना सामान था सारा सामान हम ले लिए, यहाँ पे हम घी ले लिए हैं, ये धूप ले लिए और साथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लिए हैं। अब इसी सब का यूज करके क्या करेंगे कि हम हवन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंत्र मुझे नहीं आता आग लगाने वाला, तो हम क्या करते हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रहे यूट्यूब पे पंडित जी जो आग लगाते मंत्रों से, उन्हीं का मंत्र हम चला लेते हैं, क्योंकि मंत्र तो सभी जगह एक ही होता है। तो वही मंत्र चला के हम बगल में रख देते हैं और जैसे जैसे बाबा करते जा रहे थे उसी टाइप से हम भी करते थे और देखते हैं क्या आग लग पाता है या नहीं लग पाता है। इस प्रकार का वीडियो बहुत जो आजकल वायरल हो रहा है, ये बाबा जो बाबा धुएं दे रहे हैं तो हम भी इसी प्रकार से देते हैं। तो दोस्तों अभी अभी आप देखे किस प्रकार से मंत्र पढ़ के जो है पूरा हवन कुंड में हम आग लगा दिए। तो इस प्रकार से हवन कुंड में आप भी आग लगा सकते हैं मंत्र पढ़ के। पर एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि मंत्र का इतना कमाल था, पर इसमें मंत्र का कोई कमाल नहीं था। इसमें केवल दो केमिकल डाला गया, पहला एक पोटासियम परमैंगनेट और दूसरा जो था ग्रिसलिन था। दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, इसमें आग जनरेट हो जाता है। वही चीज इसमें हुआ, हवन कुंड में जो पहले से ही डाल दिया जाता है पोटासियम परमैंगनेट और बाद में क्या होता है ग्रिसलिन चम्मच से इस प्रकार से डाला जाता है, जिस वजह से क्या होता है दोनों जब आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा आग जनरेट हो जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दोनों केमिकल मिलता है जिसमें आग जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों बाबा जी जो मंत्र के नाम पे केमिकल का यूज करते, देखिए किस प्रकार से जब दोनों केमिकल को मिलाते हैं, ये देखिए ग्लिसरीन है और ये देखिए पोटासियम परमैंगनेट है। हम दोनों को आपस में मिला के दिखाते हैं किस प्रकार इसमें केमिकल रिएक्शन होके आग पकड़ लेती है। इसमें बहुत सारा हम पोटासियम परमैंगनेट डाल देते हैं और इस प्रकार देखिए जैसे इस पे हम ग्लिसरीन मिलाएंगे तो कैसे देखिए इसमें आग पकड़ लेती है। कुछ ही देर के बाद इसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा, रिएक्शन जैसे ही तेज होगा और इस प्रकार देखिए कैसे इसमें आग लगी। यही काम क्या हुआ, हवन कुंड के अंदर हुआ। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि मंत्र से ये आग लगी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है आग लगने में, तो ऐसा लगता है मंत्र का कमाल है इसमें। तो दोस्तों अभी जो आप देखे हवन में आग लगा तो उसमें क्या किए थे, दो केमिकल का यूज किए थे, एक पोटासियम परमैंगनेट और दूसरा ग्लिसरीन का यूज करके। क्योंकि आजकल जितना भी बाबा अगर आग लगाते हैं हवन कुंड में मंत्र से, तो वो मंत्र से नहीं होता, अलग अलग केमिकल का यूज करके आग लगाते हैं। लेकिन जो कॉमन यूज होता है आग लगाने के, उसमें क्या करते हैं पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन लेकर यूज करते हैं। हो सकता है पुराने जमाने में मंत्र से आग लग जाता होगा, लेकिन आजकल का जितना भी बाबा होते हैं वो मंत्र से आग नहीं लगा पाते, सारे के सारे बाबा क्या करते हैं कि केमिकल का यूज करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस सेक्शन में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।